के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। उनका ये बयान काफी विवाद पैदा करने वाला है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में वो ये कहते नजर आए कि 6 दिसंबर के दिन जो लोग भूल जाने को कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे बाप या माँ की मौत को भूल सकते हो क्या? ये विवादास्पद बयान दिया है उन्होंने 22 जनवरी की तारीख, जब पूरा देश राममय था। कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंत की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय ने इशारों में पीएम मोदी पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इनकार इसलिए किया गया क्योंकि हमें संविधान की धर्म निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। दिस नेशन बिलोंग्स टू ऑल पीपल एंड ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इन इक्वल मेजर। वी कैनॉट बी प्रमोटिंग वन रिलीजन अबव ऑल अदर्स और डिमीन वन रिलीजन बेनीथ। राम मंदिर पर आस्था से परे सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी न्योता मिलने के बावजूद अयोध्या नहीं गई, इसके बजाय उन्होंने कोलकाता में सर्वधर्म रैली निकाली जिसमें उन्होंने बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी कह दिया। ममता बनर्जी ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ भगवान राम की